देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। 1 मई से अब तक सबसे ज्यादा केस सामने आए थे, वहीं अब जब एक दिन में आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया था, उसके बाद से ही रोजाना मामलों में कमी देखने को मिल रही है। देश में कोरोना का आंकड़ा 2 करोड़ पार हो गया, यानी 30 जनवरी से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है कि मंगलवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के रोजाना आने वाले नए मामलों में कमी आई है। मंगलवार को 3,57,229 नए केस सामने आए। इसके एक दिन पहले 2 मई यानी कि सोमवार को 3,68,147 मामले आए थे, जबकि 1 मई को 4 लाख का आंकड़ा पार हो गया था, जो अब तक का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा था। पॉजिटिविटी रेट में भी कमी देखने को मिल रही है। सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 21.47% रहा, जबकि एक दिन पहले 24.46% पॉजिटिविटी रेट था। पॉजिटिविटी रेट रोजाना कोरोना के टेस्ट और रोजाना आने वाले नए केस के आधार पर निकाला जाता है, यानी कि अगर टेस्ट कम हुआ और केस ज्यादा आए तो पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुछ राज्यों में केस में कमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, लद्दाख, दमन एंड दीव में केस कम हो रहे हैं, या कुछ हद तक हम एक दो स्टेट्स में ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन डेली न्यू केसेस नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। दिल्ली, जहां पर कि 25,200 के करीब केसेस आते थे, वह करीब 24,000, यानी कि कुछ अर्ली प्लेटोइंग साइंस अभी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो पाते हैं 13,000 की बजाय 12,800, महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। प्लेटोइंग ऑफ केसेस का जो एक अनुमान हम पंजाब में लगा पा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना में भी प्लेटोइंग ऑब्जर्व हो रही है। अर्ली सिग्नल्स ऑफ प्लेटोइंग उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं, इसी तरह उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि केसेस प्लेटो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के स्थाई पर कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट बने रहें, ताकि जो ये गेंस प्रिज्यूमेबली हमें दिख रहे हैं, उन गेंस को हम प्रिजर्व कर सकें, उन गेंस के हिसाब से केसेस को और कम कर पाए। देश के कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां केस में बढ़ोतरी हो रही है। बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, गोवा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़ और त्रिपुरा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भले ही कुछ राज्यों में केस कम हुए या फिर देश भर में रोज आने वाला आंकड़ा घटा, लेकिन इस आधार पर अभी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कोरोना के कहर से राहत मिलने जा रही है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।